यूट्यूब, ट्यूब नहीं होता ट्यूब, यूट्यूब जी के मैंने मोबाइल पे शुरू किया, लेकिन अब ये अपना बयान बदल रहे हैं इन बात। भाई ये मैंने बताना, शायद इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, अपने पास से आप लगे हुए, ये मुझे मतलब पेंट उतार रहे हैं मेरी, क्या बातें कर रहे हैं। ये मोची भी हैं, ये दर्जी भी हैं, ये जेब कुत्रे भी हैं, बंदे के पुत्र भी नहीं हैं, ये कुछ भी नहीं है। उनको स्पोर्ट्स किया कि नहीं किया, स्पोर्ट होता है स्पोर्ट्स नहीं होता है। इनको मैं चला जाऊं यहाँ से, पत्थर आ गया था, मैं उल्टबाजी खा के गिरा था। पायोडीन के अंदर थोड़ा सा नमक डालें, हल्दी डालें, उसको मिक्स करके दूध में डाल के पक्का मार के पी लें, आपका चैनल तैयार। जबरदस्त कहूँगा कि अपने चैनल डिलीट कर दें, इस काम में मत पड़े, बहुत ही मुश्किल काम है ये। नहीं, इसका मतलब आप अपने चैनल चलाएं बाकी सब डिलीट कर दें, तो जारी बात है ना, रेटिंग इसी तरह आती है जनाब। ये थे फलक शेख साहब जिन्होंने सारी गलत बातें की, मैं बताऊंगा अपना चैनल मेहनत करें चलाएं, हर बंदा कामयाब हो जाएगा इनकी बात पे यकीन। इनका चैनल भी डिलीट कर दें आप, ना ही देखें, मैं तो कह रहा हूँ। शान पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, इन्हें फॉलो करें, इन्हें शेयर करें, इनकी बेल बटन को दफना दें। अस्सलाम वालेकुम, शान पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट जाहिद खान। आज हमारे साथ एक बैठे हैं यूट्यूबर जिन्होंने 8 माह में अपना यूट्यूब मोनेटाइजेशन ऑन करके पैसे कमाए, और उन्होंने ये पैसे कैसे कमाए मैं आपको बताऊंगा। 8 माह पहले इन्होंने ये काम शुरू किया अपने एक दोस्त के कहने पर। भजन यूट्यूब होता है, यूट्यूब नहीं होता, यूट्यूब, ट्यूब नहीं होता ट्यूब, यूट्यूब जी, यूट्यूब। 8 माह पहले इन्होंने शुरू किया अपने एक दोस्त के कहने पर, इन्होंने एक कैमरामैन हायर किया, एक मोबाइल लिया, एक अदद माइक लिया और काम शुरू कर दिया। कैमरामैन अगर होगा तो कैमरा भी साथ ही होगा ना, तो मैं मोबाइल पे क्यों करता हूँ, मोबाइल पे थोड़ी करता हूँ। इन्होंने मुझे पहले बताया था कि मैंने मोबाइल पे शुरू किया, लेकिन अब ये अपना बयान बदल रहे हैं। इन्होंने एक कैमरा लिया, एक कैमरा मैन लिया, 1000 रुपये दिया करते थे उसको कैमरा मैन को रिकॉर्ड करने का। उसके बाद भाई ये मैंने बताना, शायद अच्छा ये फलक साहब अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि उन्होंने 1000 रुपया कैमरा मैन को देख के काम शुरू किया। 2 माह वही कैमरा मैन इनके साथ काम करता रहा। 2 माह बाद उन्होंने कहा जी मुझे 2000 रुपया देंगे तो मैं आपके साथ काम करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। इन्होंने फिर उस कैमरा मैन को जवाब दे दिया। फिर इन्होंने एक जायद भाई मैंने बतानी है सारी बातें, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ, अपने पास से आप लगे हुए, ये मुझे तो बताने देना बात, मुझे ये सब बताएंगे आपको फलक शेख के। उसके बाद 2 महीने बाद जब उस कैमरा मैन इनको छोड़ दिया, फिर इन्होंने कितनी स्ट्रगल की, कितनी मेहनत की, इन्होंने एक और कैमरामैन को हायर किया जिन्होंने कहा कि मैं 1500 से कम नहीं लूंगा, लेकिन इन्होंने 1500 दिया। ये दिन को मजदूरी करते थे, इन्होंने एक जॉब की। ओ भाई जान, तेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इज्जत की बातें कर रहे हैं आप, मतलब पेंट उतार रहे हैं मेरी, क्या बातें कर रहे हैं आप। मेरा बताएं जी कि ये यूट्यूबर हैं, ये प्रैंक्स करते हैं। हाँ तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये प्रैंक्स भी करते हैं, ये एक्टिंग भी करते हैं, ये एडिटर भी हैं, ये राइटर भी हैं, ये प्रोड्यूसर भी हैं, ये मोची भी हैं, ये दर्जी भी हैं, ये जेब कुत्रे भी हैं। ये नहीं हूँ भाईजान, वहाँ तक ठीक है, प्रैंक प्रोम कॉमेडी तक ठीक है, उससे आगे मैंने कुछ नहीं किया। ना मैं दर्जी हूँ, ना मैं मोची हूँ, ना मैं एडिटर हूँ, ना मुझे गाना आता है। सही बात है, ये दर्जी भी नहीं है, ये मोची भी नहीं है, ये एक बंदे के पुत्र भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मैंने बताना है भाईजान, मेरे से तो पूछ लें आप, एक इंटरव्यू की एंकर आपको किसने बनाया जी? मुझे गिलानी साहब ने कहा था कि तुम एंकर हो। पता नहीं क्यों आपको मैं देखा गया, उन्होंने टाई पहन के कोट पहन के, आपको लगता है ये आसान काम है? तो हम पूछते हैं फलक शेख से कि उन्होंने 8 माह में अपना चैनल मोनेटाइजेशन ऑन कैसे किया, कौन कौन सी परेशानी उनके साथ आई, उनके वालदा ने उनको सपोर्ट किया कि नहीं किया। सपोर्ट होता है स्पोर्ट्स नहीं होता यार, सपोर्ट सपोर्ट, उनके वालदा ने उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं किया, आपने बताना है। हाँ जी, मेरे से पूछे ना, मेरा इंटरव्यू हो रहा है, आप खुद ही बताई जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं फलक शेख साहब से कि उन्होंने 8 महीने में चैनल मोनेटाइजेशन ऑन किया। पहले पेज अब उनकी आई, पहली तनख्वाह कितनी आई, उन्होंने पहली तनख्वाह किसको दी, क्या मिठाई अपने दोस्त में बांटी, कितनी खुशी हुई इनको। मैं चला जाऊं यहाँ से। पायन जी मेरे को लो पूछो, मैं क्यों बाया मैनू नाल, आपका इंटरव्यू है भाई। तो इंटरव्यू तो मेरे से बात तो करें, मेरा आप बताई जा रहे हैं सारा ये वो, अपने पास रल मिल के बातें, मुझसे तो पूछ लें। तो हम पूछते हैं फलक शेख साहब से कि 8 माह में इन्होंने अपना चैनल मोनेटाइजेशन ऑन कैसे किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जाहिद भाई, ठीक है आप? जी फलक साहब, आपने अपना चैनल 8 माह में मोनेटाइजेशन ऑन करवाई।
ये मोनेटाइजेशन ऑन क्या होता है? मोनेटाइजेशन होता है जिसका पूरा वर्ड एडिशन होती है। बेसिकली मैंने बहुत मेहनत की है, आप यकीन करें इतनी मेहनत की है कि ये हर बंदा नहीं चला सकता चैनल। आप देखते हैं मेरा चैनल फलक शेख, उसको मतलब कि कितने लोग देखते हैं। अब क्यों देखते हैं कि पहले उस पर मेहनत होती है, ये नहीं होता कि ईंटें उठा के आपने दूसरे मंजिल पर लेके जानी है तो मेहनत है। आपने जब अपना चैनल शुरू किया तो सबसे पहले कौन कौन सी परेशानियाँ, कौन कौन सी मुश्किलें आपको आईं? पत्थर आ गया था, मैं उल्टबाजी खा के गिरा था। आपने चैनल शुरू किया था या मोटरसाइकिल शुरू किया था? तो वही मैं बात कर रहा हूँ, कौन सी परेशानी? जब आप स्टार्ट करते हैं जहरी बात है मुश्किलात होती है। पहले 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर करते हुए मुझे एक साल लगा, ठीक है। उसके बाद वो मोनेटाइज हुआ, फिर मुझे कुछ पैसे आए तो मैंने फिर उससे अपना दोबारा से ये सिस्टम शुरू किया चैनल का। लेकिन आपने मुझे कहा था कि 8 माह में मैंने अपना चैनल ओके कर लिया था। देखिए कहना पड़ता है ये, लेकिन इंटरव्यू में सच बताना चाहिए नाज़रीन, एक साल पूरा लगता है। इसलिए मैंने होंडा साइकिल ली है, बाहर खड़ी है वो। कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं चैनल को अपग्रेड करने के लिए? पायोडीन के अंदर थोड़ा सा नमक डालें, हल्दी डालें, उसको मिक्स करके दूध में डाल के पक्का मार के पी लें, आपका चैनल तैयार ज़बरदस्त। ये चैनल की बात कर रहा हूँ, कोई बंदा साइकिल से नहीं गिरा कि जिसको रगड़े लगी हों। देखिए बात ये होती है कि चीज़ों से ही चैनल चलता है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझें। आपको ये नहीं है, यूट्यूबर जितने भी हैं उनको क्या नसीहत करते हैं? ये कहूँगा कि अपने चैनल डिलीट कर दें, इस काम में मत पड़े, बहुत ही मुश्किल काम है ये। नहीं, इसका मतलब आप अपने चैनल चलाएं बाकी सब डिलीट कर दें? तो जहरी बात है ना, रेटिंग इसी तरह आती है जनाब। ये थे फलक शेख साहब जिन्होंने सारी गलत बातें की। मैं बताऊंगा अपना चैनल मेहनत करें, चलाएं, हर बंदा कामयाब हो जाएगा इनकी बात पे यकीन। इनका चैनल भी डिलीट कर दें आप, ना ही देखें, मैं तो कह रहा हूँ। शान पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, इन्हें फॉलो करें, इन्हें शेयर करें, इनकी बेल बटन को दबाएं।